Next, question 9. We are given quadrilateral ABCD is a parallelogram and we are given E is midpoint of BC. So EC and BE are equal. Then we are required to prove triangle DCE equals to triangle LBE. ट्राइंगल DCE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LB. पहले वो पार्ट प्रूव करते हैं, बाकी का तो सब आ जाएगा तुम्हारा सीपीसीटी से. AB और BL वो सीपीसीटी का इंफॉर्मेशन यूज करके आएगा. फर्स्ट वी प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. वी हैव ओनली वन इंफॉर्मेशन एज ऑफ नाउ, दैट इज वन साइड CE एंड BE. दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. यस, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, सो ऑल्टरनेट एंगल्स. यू कैन टेक ईदर दिस एंड दिस पेयर और दिस एंड दिस पेयर, कोई भी एक पेयर ले सकते हो. व्हाट इफ इज कॉमन साइड और दिस? नो, देयर इज नो कॉमन साइड. ट्रायंगल ऊपर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल. यस, गुड. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो और ऑल्टरनेट एंगल्स में ये पेयर या ये पेयर कोई भी एक ले सकते हो. सपोज वी आर टेकिंग दिस एंड दिस, ऐसा वाला सेट. ये वाला सेट ले सकते हो या फिर ये वाला सेट भी ले सकते हो. ये कोई भी एक ले सकते हो. सो हो गया ASA. ऐसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. तो फर्स्ट प्रूफ आ गया. सो इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल LBE, जस्ट चेक द करस्पॉन्डेंस. DCE LBE बराबर, ये D से स्टार्ट हुआ तो ये वाला L से स्टार्ट हुआ. यूजुअली the correspondence given in question is always correct, but just cross check once. तो सबसे पहले सपोज यार स्टार्टिंग में ऑल्टरनेट एंगल्स लिखने से पहले हमें वो पैरेलल लाइंस लिखनी पड़ेगी. सो DC is parallel to AL. पूरा AL लिखो, not only AB. Opposite sides of parallelogram. Okay. Therefore, angle BCE is equal to angle DCE is equal to LBE. Alternate angles. Then we have side CE equals to BE. Given. या फिर मिड पॉइंट का उनका स्टेटमेंट लिख सकते हो. एंड द लास्ट वन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स DEC LEB. SAS तुम्हारा फर्स्ट. अभी तुम्हें AB और BL को प्रूव करना है. ये दोनों किसी ट्रायंगल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे. AB ये साइड है और BL वो साइड है. इसके आगे तुम्हें कुछ सॉल्व करके AB और BL को इक्वल लाना पड़ेगा. और एक इंफॉर्मेशन है ABCD इज पैरेललोग्राम, तो AB किसको इक्वल है? AB इज इक्वल टू DC ऑपोजिट साइड. बट DC किसको इक्वल है? BL को. CPCTC DC इक्वल्स टू BL. DC इक्वल्स टू BL, इसीलिए AB और BL इक्वल. 1 इक्वल्स टू 2, 1 इज इक्वल टू 3, तो 2 और 3 भी इक्वल. सो इसके बाद पहले हम CPCTC का इंफॉर्मेशन लिखेंगे. DC इज इक्वल टू LB. CPCTC, but DC is also equal to AB. Opposite sides of parallelogram. DC का BL और AB equal है. From 1 and 2. ये हो गया सेकंड. अभी थर्ड पार्ट प्रूव करना है। AL इक्वल्स टू 2DC, AL इक्वल्स टू 2DC। कैसे आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल AL में क्या दो पार्ट्स है, AB प्लस BL, बट AB DC को इक्वल है, BL भी DC को इक्वल है, क्योंकि दोनों की जगह DC सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो गया 2DC। So simple, AL equals to AB plus BL। सिंपल लिखा हमने, बड़ा सेगमेंट इक्वल्स टू उसके दो छोटे सेगमेंट्स ABL, बट AB किसको इक्वल है, BC को, BL किसको इक्वल है, DC को। आगे अगेन फ्रॉम 1 and 2 हमने सब्स्टिट्यूट किए वो वैल्यूज। So we write the reason from an end. Next question 10. They are given in the figure AB is equal to BD and AC equals to CD. दो information given है. Then we are given certain values. ABD is 58 and DCB. DCB 63 है, DBC is 2x-4 and ACB is y + 15. So we are required to find out the values of x and y. X और y के वैल्यूज फाइंड आउट करें। So फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्राइंगल्स को कॉम्पोनेंट प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम एंगल्स का रिलेशन कुछ ले पाएंगे। So ट्राइंगल्स को कॉम्पोनेंट प्रूव करने का टेस्ट एकदम सिंपल है, दो साइड्स है, तीसरा है कॉमन साइड। So triangles are compounded by SSS test. So in triangle ABC and ABC naming लिखा तो दूसरे का naming DBC ABC लिखा तो DBC आएगा, because यहाँ पे AB equals to BD same side पे ही है। अगर ये opposite equal होता तो हम ऐसा correspondence लेते, okay? So given information से you will identify कि तुम्हारा correspondence क्या आएगा। So AB equals to DB, AC equals to DC, given, and BC equals to BC common side. So triangle are congruent by SSS test. Then we are given DCB is 63 and ACB is y + 15. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है CPCP से। ACB is equal to DCB. CPCTC. ACB का वैल्यू क्या है? y + 15. DCB का वैल्यू है 63. या सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू. So y equals to 63 - 53, which gives you answer 48. एक y का वैल्यू आ गया। Then we are given DBC is 2x-4 and ABD is 58। पूरा ABD 58 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ये 2x-4 है तो ये भी 2x-4 है। So ABD equals to this plus this. Big angle equals to दोनों का addition. Okay. So next भी हम एक CPCT का step लेंगे। ये वाला ABC equals to DBC equals to 2x-4. बट बड़ा वाला एंगल ABD equals to ABC plus DBC. ABD का वैल्यू है 58 गिवन इन द क्वेश्चन. इन दोनों का वैल्यू है 2x-4. Therefore, 66 equals to 4x. Next question 11. We are given in the diagram following things are parallel. So we are given AB is parallel to DF and AC is parallel to GE. Also we are given BD and CE are equal. BD and CE are equal. So and we are required to prove BG and DF equal. BG and DF. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा लेना है. बी जी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? बी जी ई ट्राइंगल. ओके. और डीएफ कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? डीएफ सी. इन दो ट्राइंगल को कॉम्पोनेंट प्रूव करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. तो हमें दो लाइंस पैरेलल गिवन है. These two lines are parallel, तो कौन सा pair form हो रहा है यहाँ पे? No, alternate angle Z कहाँ form हो रहा है? F-shape angles are being formed over here. Two lines are parallel and this is your transversal. F-shape angles corresponding angles form हो रहे हैं. Z ऐसा होता है. ये दो line के बीच कोई transversal है ही नहीं कि Z-shape angle form हो. Okay, so AB is parallel to DF and this is the transversal. So angle B is congruent to angle D. Similarly, GE and AC are parallel. यहाँ पे भी F-shaped angle form हो रहा है. तो कौन से दो angles equal है वो side पे? E और G. तो E and C. दो information आ गए हमें triangles में. One side. Side BD और CE equal है. BD इसमें भी नहीं आ रहा है, CE इसमें नहीं आ रहा है. They are just part of the side. मैं पूरा साइड इक्वल नहीं पता है. BE and DC. उसको कैसे इक्वल लेके आओ? DE is common between them. So we will add up DE to both the sides. हमने एक सब में क्या था? माइनस किया था. इनको इक्वल लाने के लिए. अभी हमें पता है कि ये दो छोटे पार्ट्स इक्वल है, BD और CE. दोनों को हम बीच का ED ऐड कर देंगे. तो BD plus DE will become whole BE and DE plus CE will become whole CB. तो A से दोनों ट्रायंगल्स आ जाएंगे congruent. We'll get the information. So ट्रायंगल्स के नाम क्या लिखेंगे अभी? इन ट्रायंगल GBE लिखा. GBE लिखा, सेमी करस्पॉन्डेंस आएगा FDC. इसमें उल्टा पुल्टा करस्पॉन्डेंस नहीं आएगा. ऑल्टरनेट एंगल्स होता है तो वी राइट ऑपोजिट करता है. पहले हम लिख रहे हैं AB पैरेलल टू FD. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D करस्पॉन्डिंग एंगल्स. Then we have AC parallel to GE and angle E is equal to angle C. फिर हमें given है BD is equal to CE. बट बी डी या सी कोई ट्राइंगल का साइड नहीं है, तो हम दोनों ऐड करेंगे डी। एडिंग डी टू बोथ साइड्स। तो बी डी प्लस डी बन गया पूरा बी ई इज इक्वल सी ई प्लस डी ई सी डी पूरा सी डी। आ गया तुम्हारा थर्ड इन्फॉर्मेशन, यहाँ एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक साइड। विल सी कौन सा ऑर्डर में है, ए एस ए के ऑर्डर में, नॉट ए एस। सो योर टेस्ट इज ए एस ए। सो ट्राइंगल जी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी सी। ए एस ए टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में चाहिए बी जी और डी एफ। BG DF and then CF and EG, CF EG वो भी आ गया। Hands proved. Next question 12. In a triangle ABC, AB is equal to AC. So we are given a triangle where AB and AC are equal. We are required to prove that altitude AD is the median also. तो हमें A से एक altitude draw करना है, which is AD the altitude. And you are required to prove that this AD is median also. Median का प्रॉपर्टी क्या होता है? We have done in last lecture that AD median मतलब in short prove क्या करना है तुम्हें, किस दो सेगमेंट को इक्वल लाना है अगर AD को median की और करना है, BD and DC को इक्वल प्रूव करना है मतलब AD median, okay? AD का वो प्रॉपर्टी। So we have to prove that this altitude is the median also. मतलब हमें प्रूव करना है कि BD और DC equal है। So obviously ये दो triangles congruent prove करोगे, CBCD से ये नीचे वाले equal हैं। तीन information क्या क्या है हमारे पास? A common side, 90 degree and this side. Test कौन सा होगा? RHS. Yes, good. So first we'll write the information. In triangle ABC, AB equals to AC and AD is perpendicular to BC. AD is altitude, मतलब AD is perpendicular to BC. We are required to prove AD is median. So in triangle ADB and ADB लिखा तो ADC, AB और AC क्या है triangles के hypotenuse. Whenever using RHS test, do not forget to mention the hypotenuse given. AD equals to AD, common side, angle ADB equals to angle ADC, each 90. So हो गया प्रूफ। RHS test. Therefore, हमें क्या चाहिए था, BD और DC equal. CPCTC BD और DC equal है मतलब AD is median. Hence proved. Next question 13. They are given in the figure BL is equal to CN. So here we are given BL and CM are equal. BL and CM are equal. They are required to prove AD is median of triangle ABC. AD को median prove करना है, मतलब तुम्हें क्या prove करना है? What is the property of median? Bisects the opposite side. Then इसमें कौन से दो segment equal prove करोगे तो AD median होगा? BD और DC. ओके, AD मीडियन प्रूफ करना है, मतलब तुम्हें ये दो सेगमेंट AD और DC को इक्वल प्रूफ करना है। अब ये BD और DC कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? BD इस ट्रायंगल में आ रहा है, DC इस ट्रायंगल में आ रहा है। सो तुम्हें इन दो ट्रायंगल्स को कॉम्प्लीमेंट प्रूफ करना है। ओके, डायग्राम कभी भी कॉम्प्लिकेटेड हो तो यू फर्स्ट आइडेंटिफाई तुम्हें क्या प्रूव करना है और जो प्रूव करना है वो कौन से ट्रायंगल्स में आ रहा है। उतना अगर तुम नीचे इंफॉर्मेशन बाइफिकेट कर दोगे तो तुम सिंपलीफाई कर दोगे, तुम्हें कौन से दो ट्रायंगल्स प्रूव करना है। कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होगा, तुम सोचोगे ये ट्रायंगल लेना, ये लेना है, ये लेना है। तो सर सिंपल तुम्हें जो प्रूव करना है, देखो वो चीज कौन से ट्रायंगल्स में आ रही है एंड देन टेक दोस टू ट्रायंगल्स। नाउ वी आइडेंटिफाई द थ्री इंफॉर्मेशन व्हिच वी वांट। दो ऑलरेडी सामने दिख रही है तुम्हें, एक 90 डिग्री नो समवन सेड अर्लियर अबाउट दीस एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड इंफॉर्मेशन। सो S A A S से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो वी आर डन। Okay, so we are given here question 30. BL is perpendicular to AM and CM is perpendicular to AM, and also BL is equal to CM. We are required to prove AD is median. So we directly start by taking the triangles. In triangle BLD, अभी BLD लिया तो दूसरा ट्रायंगल क्या लोगे? CDL. BLD तो CMD because L corresponds to M. तो CMD. BL equals to CM given. Angle L equals to angle M, each 90, and angle LDB is equal to angle C LDBCBM, vertically opposite angles. So SAA test, triangle BLD is congruent to triangle CMD. SAA test और AAS test हमें चाहिए थे, ये दो सेगमेंट्स इक्वल BD एंड CD आ गए। CBCTC, therefore AD is median, hence proved. Next question 14. We are given AD is perpendicular to BC, AB and AC are equal. Also FE is perpendicular to AB, and BE bisect करता है, मतलब ये दोनों angles equal हैं. We are required to first prove BD equals to CD. So let's see वो कौन से triangle में आ रहे दोनों. BD और CD इधर हैं. So we'll take these two triangles. ये दो triangles congruent prove करोगे तो BD equal to CD आ जाएगा. अभी इस दो ट्रायंगल में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? फर्स्ट वी आर गिवन AB इज इक्वल टू AC. नेक्स्ट वी आर गिवन ये परपेंडिकुलर है. वी हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू प्रूव ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. कौन सा टेस्ट आएगा? RS टेस्ट. एक हाइपरटेनस कॉन्ग्रुएंट है, एक एंगल है, 90 है. सिंपल CBCD से BD इक्वल टू CD आ जाएगा. सो वी स्टार्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट. इन ट्रायंगल ADB, ADB लिखा तो दूसरे का करस्पॉन्डेंस ADC. AB equals to AC का रीजन गिवन. AD equals to AD common side and angle ADB equals to angle ADC, each 90 degree. So we have sufficient information. Triangles are congruent by RHS test. I will write hypotenuse AB. Yes, we will write hypotenuse AB equals to hypotenuse AC because RHS test है. So आ गया BD equals to CD. BD CD. ये आ गया फर्स्ट प्रूफ. नेक्स्ट है ED और EF. ED और EF. लेट्स कंप्लीट द फिगर. ये कौन से दो ट्राइंगल है? ये दो. ओके, इसमें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? 90-90 बीच वाला बाइसेक्ट करता है तो एक कॉमन साइड और एक ये है एंगल. सो दो एंगल्स और एक साइड. एएस वैसे दोनों इक्वल है. सो ईडी एंड एफ आर आल्सो इक्वल. सिंपल अगेन वी टेक नेक्स्ट टू ट्राइंगल्स. इन ट्राइंगल EFB, EF सॉरी डी नहीं है डी, EFB लिखा तो दूसरा करस्पॉन्डेंस C तो है ही नहीं. वी आर टेकिंग दीस टू ट्राइंगल्स. EDB EFB तो EDB. We have angle F equals to angle D, each 90. दूसरा एंगल ये बीच वाला FBE. yes, FBE equals to DBE और EBD, whatever you can write. बीच में B आना चाहिए. BE bisects angle B. एक साइड सॉरी दो एंगल्स आ गए. एक साइड बाकी है BE. BE equals to BE common side. So triangles are congruent. EFB is congruent to EDB. AAS test of congruency. So आ गया EDEF. That is जैसे टू प्रूफ में लिखा है वापस हम करेंगे. AD equals to EF. Next, last question 15. We are given some information in the diagram itself. These two arrows are given, so AB is parallel to FE. Then AC and AD are equal, and angle C and angle D are equal. First, we are required to prove AB and FE. AB and FE को equal prove करना. There is no confusion. दो ही triangle है. सिंपल है तो इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो ए बी और एफ ई इक्वल आ जाएगा बाय सीपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. तीन इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के. दो हमें सामने दिखी हुई है, ए सी ई डी, एंगल सी एंगल बी. तीसरा इन्फॉर्मेशन हमें लाना है. वो कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली यूजिंग दिस. तो कौन सा पेयर ऑफ एंगल फॉर्म हो रहा है? अल्टरनेट एंगल्स. येस, ए बी एंड एफ ई पैरेलल है. बीच का अगर मैं ट्रांसवर्सल ज्वाइन करूँ जेड शेप एंगल्स हो रहे हैं, दिस एंड दिस. ओके, यू कैन आइडेंटिफाई द जेड शेप एंगल्स. सो ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. So we have S, A and A, that is AAS test से दोनों triangles common. Next information भी वहीं से आएगा. First we'll prove the triangles for first part. So first मैंने लिखा triangle ABC. तो दूसरे triangle का नाम नीचे से स्टार्ट होगा EFB. पहले angle C equals to angle D given. दूसरा एंगल लिखना है, वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, उसके पहले हमें पैरेलल लाइंस लिखने पड़ेंगे. AB इज पैरेलल टू FE, वो भी गिवन ही है. सो एंगल ABC इज इक्वल टू EFBD. अल्टरनेट एंगल्स. लास्ट इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, AC इक्वल्स टू AD, AAS. So we got AB and FE, AB, FE. नेक्स्ट पार्ट में हमें चाहिए BD और CF, BD और CF. BD एंड CF एज सच कोई ट्राइंगल में नहीं आ रहा है. इफ यू कंसीडर ट्राइंगल ABC तो उसका साइड कौन सा आता है? BC. EFD ट्राइंगल देखो तो उसका साइड है ED. BD और CF कोई अलग अलग तो ट्राइंगल में नहीं आ रहा. तो व्हाट वी कैन डू? कोई भी दो साइड्स को इक्वल ग्रुप करने के लिए, सॉरी, द सम ऑफ एंगल ए सी बी, वी आर टेकिंग साइड्स. सम ऑफ एंगल्स कहां से आएगा? CB CTC से वी गेट BC इक्वल्स टू FD. नाउ BC के दो पार्ट्स क्या है? BD प्लस CD. एंड FD के दो पार्ट्स क्या है? CD प्लस CF. दोनों साइड से CD कैंसिल हो जाएगा और जो हमें चाहिए वो बच जाएगा. सिंपल. सो हम BC को बाइफर्केट करते हैं, BD प्लस CD. हमने कुछ नया चेहरा अप्लाई नहीं किया, हमने खाली साइड को बाइफर्केट किया डायग्राम में से. BC के दो पार्ट्स तुम्हें क्लियरली दिख रहे हैं, BD प्लस CD. FD के दो पार्ट्स दिख रहे हैं तुम्हें, CD प्लस FC. CD gets cancelled. BD equals to CF. Next part. First proof हमारा इधर आया. Second proof.